अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे। तो आज हम आपके सामने हाजिर हैं एक न्यू वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हमारे घरों में जैसे कि खाली जैम के जार होते हैं या कुछ बोटल्स होती हैं, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो एक छोटा सा एफर्ट हम भी कर रहे हैं इस चीज़ का, आपके साथ सोचा कि थोड़ा शेयर भी करें कि इसको मैं कैसे बनाऊंगी और इसको कैसे यूटिलाइज करूंगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अच्छा, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओके, थैंक यू। इसको दर ओके। तो जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक ये खाली जार है, इसको मैंने इसके ऊपर जो स्टिकर है, दो ब्रशेज हैं जी, चीज़ें तो हमारे पास काफ़ी हैं, लेकिन हमने इसमें ओबियसली वही यूज़ करेंगे जो हमें जिनकी ज़रूरत है। तो जार को मैंने इसको धोकर, इसका स्टिकर अच्छी तरह से उतार कर, इसको मैंने बिल्कुल नीट क्लीन कर लिया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मेरे माइंड में एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने इसको बनाना कैसे है, तो लेकिन मेरे पास क्योंकि कुछ चीज़ें हैं आर्ट से रिलेटेड, तो उसी से हम कुछ ना कुछ क्रिएटिव करेंगे जी। तो मेरे पास जो चीज़ें मौजूद थी आर्ट्स की, आर्ट के लिए, तो मैंने उसमें से कुछ चीज़ें चूज़ की हैं। उसमें मैंने ये कलरफुल स्टिक्स ली हैं, और ये आप खुद भी कलर वाली स्टिक बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब आजकल आपको पता है हर चीज़ मिल जाती है, तो मैंने इसी तरह से बनी बनाई ही यूज़ की है। हमारे पास जूट थ्रेड है थोड़ा सा, और कुछ ये लेडी बर्ड्स की वो बने हुए हैं, बड़े खूबसूरत से लेडी बर्ड्स बनी हुई हैं, इसको हम यूज़ करेंगे क्योंकि मुझे ये प्लांटर बनाना है इस जार। तो जी, ये सबसे पहले हम ये जो हमारे पास जार है इब्राहिम, अब सॉरी कि आपको ये सारी चीजें साथ साथ देखनी पड़ेंगी, लेकिन आप मेन चीज पे फोकस कीजिए कि जो हम करना चाह रहे हैं। ये इब्राहिम मुझे साथ साथ आइडियाज कुछ दे रहा है, लेकिन हमें इसके आइडिया को बिल्कुल रिजेक्ट करना है, तो ये देखिए जी, इग्नोर करना है। तो ये हमने फटाफट से जो ग्लू है वो लगा के इस तरह से हम ये ग्लू को लगाएंगे। जी जी, आप बिल्कुल मुझे स्टिक पकड़ाते जाएं, उस पर स्टिक करते जाएं, ठीक है। मैं ऐसे जार को पकड़ूंगी और आपने इसको स्टिक करनी है स्टिक्स को, ठीक है। चलें पकड़ें जल्दी से। वेट वेट वेट, मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। वेट, नाइ यूसुफ पकड़ें, ऐसे स्टिक पकड़ें और ये रखते जाएं ऐसे दबा के। ये हमने पूरे जार पे ये जो कलरफुल हमारी स्टिक थी, ये हमने इसको इस तरह से लगाया है, और ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं। ये एक सीक्वेंस में कलरफुल सारी स्टिक्स जो हैं वो लग चुकी हैं। तो अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे यूसुफ, आप बताएं हम नेक्स्ट क्या करेंगे। नहीं, अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास है जूट थ्रेड, और ये हम जो जूट थ्रेड है इसको थोड़ा सा इसके यहाँ पर एक थोड़ा सा इसको लगाएंगे इस साइड पे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे दो तीन इसको यानी कि इस तरह से कवर कर लेंगे ये वाली चीज इस तरह। ये मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, ठीक है। गन जो है वो हमने ऑलरेडी इसको गर्म किया हुआ था, इसको हम लगाते हैं यहाँ पर, और लेट्स स्टार्ट। 3 to 5 इसको जो हमने है राउंड लगा कर इसको हमने यहाँ स्टिक किया, देन इसको यहाँ से हम कट कर लेंगे, ठीक है जी। तो इस आई होप कि हर किसी को घर में शौक होता है कुछ थोड़ी सी चीज़ों को बनाने का, कुछ DIY करने का, या कुछ अपने हाथ से बनी हुई चीज़ों का। आपको पता है कि मज़ा ही और होता है कि जब कोई आपसे पूछता है कि ये किसने बनाया, और आप कहते हैं जी ये मैंने बनाया है, तो उसका ज़्यादा बाजार से आपको पता है हर चीज़ मिल जाती है, मुश्किल नहीं है आजकल के दौर में जी। तो ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा लगाया, और ये जो इसका ऊपर वाला पार्ट है, क्योंकि ये भी पता चल रहा है कि एक जार है, तो थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर भी इस तरह से कवर कर देंगे, ये जो इसका सारा सर्कल है। तो इसको भी मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ पर गन से लगाना जी, ऐसे हमने यहाँ स्टिक किया, देन इसको मैं कुछ राउंड स्टिक करके जी व्यूअर्स। तो ये देखें, ये मैंने पहले नीचे स्टिक्स लगाई थी कलरफुल, उसके बाद एक यहाँ पर मैंने जूट थ्रेड लगाया, और ऊपर भी मैंने उसको ऊपर वाले पार्ट पे भी लगा दिया ताकि सेम थोड़ा सा एक जैसा लगे। तो मैं सोच रही हूँ कि इसमें थोड़ी सी कुछ और हम कोई चीज ऐड करते हैं इस, और इसके लिए भी मुझे लग रहा है कि एक तो मेरे पास ये स्टोन है, ये वही स्टोन्स हैं जो कि मैंने टेबल पे यूज़ किए थे, और ये मैं इस पर भी कर रही हूँ यूज़, और यहाँ इस पर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये टेबल के साथ मैच हो जाएगा, हमें एक थीम मिल जाएगा कि ये हमने टेबल और ये जो वाज है ये हमने एक जैसा कलरफुल बनाया हुआ है। तो ये देखिए जी, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इसके ऊपर लगा हुआ।
तो जी व्यूअर्स देखें जी, ये हमने अपना जो प्लांट बनाया है इस पे पहले हमने कलरफुल स्टिक्स लगाई हैं, जूट थ्रेड लगाया है, थोड़े से डायमंड लगाए हैं, इसमें लेडी बर्ड्स लगाएंगे। चले जी, ये हम यूसुफ के कहने पर इस पे लेडी बर्ड भी लगा देते हैं। तो यूसुफ आप कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे पेस्ट करें इसको ऐसे जी। ये देखें यहाँ पे कितनी खूबसूरत लग रही है, जैसे ये फ्लाई कर रही है। तो प्लांट हाँ, अभी ये यूसुफ ने यहाँ पे लगा दिया एक, ठीक है, वो हमने मिड में नहीं लगाया, हमने थोड़ा सा इसको यहाँ पे करके लगा दिया। चले जी, ये यूसुफ ने लगा दी लेडी बर्ड। तो ये देखें जी, ये हमारा ब्यूटीफुल सा एक वास तैयार हो गया है। और अब हम इसको करते हैं अपनी जगह पे प्लेस, ठीक है, कि इसको हमने रखना किधर है। तो यूसुफ इसमें हम प्लांट लगाएं तो थोड़ा स्माइल करें। तो हम चलते हैं वहां पे जहाँ पे हमारे प्लांट हैं, हम इसमें प्लांट डालते हैं, ठीक है, लेट्स गो। चले जी आए जी। तो ये हम आ गए हैं अपने प्लांट वाले कॉर्नर में, और यहाँ से हम कुछ अभी बल्कि रिसेंटली मैंने इस प्लांट से कट करके ये देखें ये प्लांट मैंने लगाया है, और माशाल्लाह से ये ग्रो कर गए हैं। तो अभी हम इसी से कट करके अपने ये नए प्लांटर में डालेंगे ताकि ये यहाँ से भी ग्रो करे। तो एक मिनट यूसुफ, मैं आपको बताती हूँ आपको कहाँ से कट करना है, ठीक है। एक मिनट जी, ये देखें यूसुफ यहाँ से कट करें, ऊपर वाला ये वाला जी कट करें। चलें ये हम कर सकते हैं, आपकी कटिंग कर दूंगा दो जरा मुझे। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस यूसुफ, वेरी नाइस, ये आपने बहुत प्यारा किया है। तो इसके साथ एक थोड़ा सा और डालते हैं, मुझे लग रहा है ये भी थोड़ा सा छोटा है। नहीं नहीं, इसको नहीं और कट करेंगे, हम थोड़ा सा मनी प्लांट डालेंगे, और मनी प्लांट को अगर हम यहाँ से कट करें तो ये भी कट कर लेंगे। ये वाला जो मनी प्लांट है ये वाला हम कर लेते हैं, इससे पैसे निकलेंगे। नहीं, ये वो मनी वाला प्लांट नहीं है, मुझे पता नहीं है कि ये क्यों इसको मनी प्लांट कहते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि इसको घर में रखे तो पैसे आते हैं और कुछ इससे रिलेटेड बातें, लेकिन आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो चलें इसको हम अपने उसी टेबल पे जाकर रखते हैं जहाँ पे हमने बनाया था इसको। लेट्स गो। तो ये देखें व्यूअर्स, ये हमने उस टेबल को टेबल पे इस तरह से मैंने बना के रखा है। मैंने आपको जैसा कि वादा किया था, मैं आपको बताऊंगी कि ये मैंने प्लांट कैसे यूज की सॉरी टेबल कैसे यूज किया है। तो आज मैंने आपके साथ ये शेयर भी किया है कि ये मैंने एक बनाया वास वाटर के लिए, फ्लावर प्लांट्स के लिए, उसमें रखा मैंने प्लांट, और एक मैंने खूबसूरत इसमें इधर कैंडल रखी है कलरफुल सी। और ये देखिए जी, ये हमारे एक खूबसूरत जो कोना है, एक और जो हमने घर का बनाया। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा जी व्यूअर्स। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी जो मैंने छोटा सा एक आपके साथ अपना शेयर किया एक्सपीरियंस, एक मैंने एक खाली जो हमारे पास घर में जो बॉटल्स होती हैं जैम की बॉटल्स होती हैं, उनको हमने कैसे यूटिलाइज किया है प्लांट के लिए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। तो मैं आपके साथ मजीद ऐसी बहुत सी अच्छी वीडियोज़ जिसमें मैं अपनी छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह, तो लेकर आती रहूंगी। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और इंशाल्लाह हम मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।